सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बदलकर उन्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई। पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की मौत। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बदलकर उन्हें 1 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। यह मामला साल 1988 का है। इसमें पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले सिद्धू को 1,000 रुपए का जुर्माना की सजा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 1998 के रोड रेज मामले में नोटिस दायर कर बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पीड़ित के परिवार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सिद्धू को गंभीर मारपीट या धक्का मुक्की का मामला नहीं है, जबकि इसे गैर इरादतन हत्या या यहां तक कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए साजा जाना चाहिए। इधर 22 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने शीर्ष अदालत से कहा था कि ऐसा कोई निर्णायक सबूत नहीं है जिससे यह पता चल सकता है कि एक मुक्का मारने से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई हो। सिद्धू ने कहा है कि परिवार इस पुराने मामले को फिर से खोलने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास कर रहा है। सिद्धू के अदालत में समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है कि कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि आरोप के चोट में परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हुई, क्योंकि इस बात का कोई सबूत ही नहीं था कि मौत प्रतिवादी द्वारा एक ही झटके में कारण हुई थी। इस माननीय अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि यह धारा 323 IPC के तहत आएगा।